नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एके और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके टेक्निकल पंजाब में। तो हाँ दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर का क्वेश्चन था कि सर क्या हम एक जीमेल पे दूसरा यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। तो हाँ, आप एक जीमेल से जितने चाहो उतने चैनल बना सकते हो। तो हाँ दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में एक जीमेल है तो आप उसी पर दूसरा चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो आप कैसे दूसरा चैनल बनाओगे, ये आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, तो सिखाते हैं आपको एक जीमेल से दूसरा चैनल कैसे बनाया जाता है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम यूट्यूब से जुड़ी इस तरह की जानकारी अपने चैनल पर देते रहते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना कॉर्म ओपन करेंगे। तो कॉर्म ओपन होने के बाद ऊपर सर्च बार में हम टाइप करेंगे studio.youtube.com चैनल। तो स्टूडियो लिखने के बाद ये अपने आप ही लिखा हुआ आ जाता है, तो सर्च बार में टाइप कर देंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा। तो इस तरह से हम अपने चैनल के डेस्कटॉप वर्जन में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ चुका, मेरा चैनल खुल चुका है। इसको ऊपर को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप सेटिंग का ऑप्शन देखेंगे जहाँ मैंने निशान दे दिया। तो उस सेटिंग पर हम टच करेंगे तो अगला इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे चैनल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस चैनल वाले ऑप्शन पे टच करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ऊपर हमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, दूसरा ऑप्शन है एडवांस्ड सेटिंग का, तो इस पे टच करेंगे। तो अब हम इसे ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे चले जाएँगे। यहाँ पर नीचे हमें देखने को मिलेगा अदर सेटिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर अदर सेटिंग में नीचे पहला ऑप्शन है मैनेज योर अकाउंट का, तो मैंने योर अकाउंट पे टच करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा, थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खोलकर सामने आ जाएगा, मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ऊपर थ्री डॉट का निशान दिख रहा है, मैंने निशान दे दिया, उस पर टच कर लेना और इसको डेस्कटॉप वर्जन में कर लेना है। पहले भी ये डेस्कटॉप में होगा लेकिन यहाँ पर फिर आपको डेस्कटॉप में करना होगा। इसको डेस्कटॉप करने के बाद दोबारा यही पेज इसी तरह से फिर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके चैनल का लोगो दिखाई देगा और उसके नीचे तीन ऑप्शन है, दूसरे नंबर का ऑप्शन है जो मैनेज योर अकाउंट, उस पर आपको टच करना होगा। मैंने निशान लगा कर दिखा दिया, वहाँ पे आपको टच कर देना है। तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पहले से दो चैनल दिखा रहा है जो एक जीमेल पे बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पहले से दो चैनल है, तीसरा मैं आपको फिर बनाकर दिखा रहा हूँ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक जीमेल पे चाहे जितने चैनल बना लें। यहाँ पे एक ऊपर बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको क्रिएट चैनल का, उस पर टच कर देंगे तो अगला इंटरफेस इस तरह से खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स और आ गया है, यहाँ पर लिखा हुआ ऐड योर चैनल नेम। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपने चैनल का नाम ऐड करना है, जो भी नाम आप चैनल का रखना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक बार कोई भी नेम लिखकर बता देता हूँ। एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ एके पंजाबी बॉय। नेम लिखने के बाद नीचे एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, मैंने निशान दे दिया, उस पर टिक करेंगे। इस पर टच करने के बाद नीचे वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो ब्लू कलर में हो जाएगा जिस पर क्रिएट लिखा हुआ है, तो उस क्रिएट पर हम टच कर देंगे। उस पर टच करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और अगला इंटरफेस इस तरह से खुलकर सामने आ जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस आने के बाद फिर से आपको ऊपर थ्री डॉट पे टच करना है और इसको डेस्कटॉप साइज में कर लेना है। तो यहाँ पे भी आपको देख लेना है, इसको डेस्कटॉप साइज में कर देना है। डेस्कटॉप साइज पे करते ही थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपका चैनल बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो अपलोड का ऑप्शन आ चुका है, कस्टमाइज का ऑप्शन आ चुका है, तो आप यहाँ से इसे मैनेज कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना तो यहाँ से कट कर देना, तो आपको मैं YouTube पे ले जाकर दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से कट कर हम अपने YouTube चैनल पे आ जाते हैं। तो यहाँ ऊपर हमारा लोगो दिखाई दे रहा है, उस पर टच करेंगे तो हमारे चैनल का नेम है, उसके सामने कैरो का निशान है, उस पर टच करेंगे तो हमारे जितने भी चैनल है खुल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो मेरे अनलिमिटेड चैनल बने हुए, मैंने वैसे ही बनाए हुए हैं ये रिसर्च के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी पहली जीमेल पे ही तीन चैनल बन चुके हैं, तो अब जिसको चाहूँ उसी को लॉगिन कर सकता हूँ, उस पर टच कर देंगे तो वो चैनल लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक ही जीमेल पे जितने चाहो उतने चैनल बना सकते हो।
अगर आपको ज़्यादा जीमेल बनानी है तो आप एक ही नंबर से अनलिमिटेड जीमेल भी बना सकते हो। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।